हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, हिस्ट्री में हमें करना क्या है पहले इसके बारे में सुनिए। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमें एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सिर्फ हिस्ट्री में हमें कौन से टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना है और कौन सी टॉपिक्स हमें अच्छे से क्लियर करने हैं। तो इस के सेक्शन में हम इससे हर एक टॉपिक से एक एक टॉपिक को उठाएंगे और आपको आए हुए क्वेश्चंस का रिव्यू दूंगा मैं, और साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो पेपर में आए हुए हैं, किसी ना किसी पेपर में आते रहते हैं। तो देखिए कि हमें करना क्या है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में हमें सबसे पहले पढ़ना है एंशियंट, फिर करना है मेडिवल एंड देन करना है मॉडर्न। ठीक है, तो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशियंट। एंशियंट में हमें करना क्या है, कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं सबसे अच्छे से, तो सुनिए। सबसे पहले हम करेंगे इंडस वैली एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। जितनी भी चीज़ें हैं इंडियन सिविलाइजेशन और हड़प्पा की, हम सारी चीज़ें इसी में कवर करेंगे, इसी टॉपिक में कवर करेंगे। तो जितने भी साइट हैं, अब इसमें पढ़ना क्या है पहले ये सुनिए, साइट के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से साइट, कौन से साइट के लिए फेमस है, जैसे लोथल, धोलावीर, कौन कौन से साइट किस लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इंडिया में कौन कौन सी साइट है, पाकिस्तान में कौन सी साइट है, मोहनजोदारो, ये सारी चीज़ें इंडियन सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे, इंडस सिविलाइजेशन में। देन करेंगे वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे वेदों का इन्वेंशन हुआ और किसने किया और कौन से टाइम पे कौन से एस्ट्रोलॉजर ने किस सिद्धांत के बारे में बोला हिस्ट्री में। ठीक है, तो वैदिक कल्चर में हम जितने भी बुक्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा महाजनपद पीरियड। ठीक है, महाजनपद पीरियड में हमें वो पीरियड पढ़ने हैं जब मगध स्टार्ट होने से पहले, मगध डायनेस्टी स्टार्ट होने से पहले जितने भी जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम उस टाइम पे पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है रिलीजन, और रिलीजन में कौन से, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ये आपको पता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, महावीर और जैन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ कवर करेंगे। देन आएगा मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार, उसके आगे अजातशत्रु, जितने भी कनिष्क, जितने भी महाराजा हुए उस टाइम के, वो सारे पढ़ेंगे। देन आएगा गुप्ता पीरियड। ठीक है, शिशुनाग पीरियड, गुप्ता पीरियड, ये सारे जितने भी पीरियड्स हैं गुप्ता के, हम उस टाइम पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा साउथ इंडियन डायनेस्टी के कुछ डायनेस्टीज हैं, जैसे चोला, पांड्यास, राष्ट्रकूटास और पांडवास, और ये सारे जितने भी बच जाएंगे साउथ इंडिया में जितने भी डायनेस्टी हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आएगा मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में हमें सबसे पहले पढ़ना है इन्वेजन ऑफ तुर्क। इन्वेजन ऑफ तुर्क में हमने मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि कैसे उसने इंडिया पे अटैक किया और कौन कौन से उसने वॉर जीते, क्या उसने कौन सी चीज़ें डिस्ट्रॉय करी, ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड और देन डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम, जो भी पांचों डायनेस्टी हैं सल्तनत की, ये सारी इसमें कवर होंगी। नेक्स्ट आएगा मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी में हमें पता है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब, ये जितने भी हैं शाहजहाँ, सारे उनके पीरियड के बारे में क्या क्या चला, ये सब बारे में। नेक्स्ट आएगा मराठा। मराठा में शिवाजी और सिखों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने एक वीडियो तैयार करूँगा इसके बारे में कि डेट्स को लेकर के, मेडिवल इंडिया में जितने भी डेट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो उस इम्पॉर्टेंट डेट्स को लेके मैं एक वीडियो तैयार करूँगा जिसमें आपको डेट्स के बारे में बताऊँगा कि कौन से मेडिवल इंडिया में कौन से डेट्स किस लिए
जाने जाते हैं, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ घाघरा, चंदेरी, ये जितने भी हैं, कौन से रूलर ने कब लड़े, कौन से डेट को लड़े, ये सब। नेक्स्ट आएगा मॉडर्न इंडिया। हमें मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेपर में आता है जब भी सवाल, वो सारा मॉडर्न इंडिया से आता है, और सबसे कम किस में से आता है, एंशंट हिस्ट्री में से, और मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल इंडिया में से थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आता है मॉडर्न इंडिया से, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब मॉडर्न इंडिया में पढ़ना क्या है, ब्रिटिश कैसे आए और उनके पावर का एक्सपेंशन इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आता है उनके इम्पैक्ट्स, इंडियन के ऊपर उनके इम्पैक्ट्स क्या बने, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिवोल्ट ऑफ 1857, मंगल पांडे, याद आ जा गया, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आएगा टू फेस एक्सट्रीमिटीज़, जब INC बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उस वो स्प्लिट हुआ बीच में, ठीक है। अब स्प्लिट हुए तो जितने भी रूलर्स थे मुगल, सॉरी, जो मुस्लिम और हिंदू उसमें रूलर्स थे, वो दोनों अलग हुए उस टाइम पे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिटीज़ रूलर बने अलग अलग, ठीक है। तो ये दो फेज़ हैं। फिर आएगा गांधीयन एरा, 1905 में गांधी आए, 15 में उन्होंने स्टार्ट किया खेड़ा चंपारण, जितने भी रिवॉल्ट्स हुए, ठीक है, और कौन कौन से रिवॉल्ट्स हुए, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया तक, ठीक है। फिर आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब ब्रिटिश इंडिया को आज़ाद करेगा और हमें स्वतंत्रता देगा। फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स एंड्स ऑफ कॉलोनीज, मीन्स जब भारत में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पुर्तगालीज, डचीज और इंग्लैंड, ये सब आए थे, तो उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, और कॉलोनीज़ बनाई थी तो उन्होंने अपने अपने स्टेट को अपना अपना नाम दिया था। तो वो अपनी कॉलोनी को कैसे उन्होंने एंड किया, और धीरे धीरे जितने भी स्टेट्स थे डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के पास, महाराजाओं के पास, उन्होंने अपने स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया। तो ये इंटीग्रेशन है, मीन्स मिलाना, स्टेट्स का मिलना, जिससे कि भारत बना। और उसके बाद हम 2014, 15, 16 और आज के डे के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में यही सब हमें पढ़ना है, और इसके बारे में मैं अगली ये मैं आपको मैं बताऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू गाइस।